कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ आप अपने कंटेंट को भी प्रमोट कर सकते हो। तो डेफिनेटली यार वो ग्रुप आपको किसी न किसी रूप में काम आने वाला है। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है राणा विशाल और आप देख रहे हैं से हाय। मैं इस यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से मैं सीखने सिखाने और बताने की कोशिश किया करता हूँ, और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि फिलहाल अभी कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में से मैं मुझे लगातार इस तरह के क्वेश्चन आ रहा था कि फ्री में वेबसाइट बनाते हैं तो क्या हम उस पर ऐड चला पाएंगे, फ्री के होस्टिंग पे काम करते हैं तो क्या नुकसान है। फ्राइडे के लाइव सेशन में भी ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, और साथ साथ अभी आज फेसबुक ग्रुप पे भी किसी और ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे वीडियो बनाना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे सब्सक्राइबर के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप वाकई में फ्री वेबसाइट होस्टिंग ऐसा करके सर्च कर रहे हो तो समझो कि आप एक ऐसे कदम बढ़ा रहे हो लिमिटेशन के ऊपर, यानी कि एक ऐसा वेबसाइट आप खोज रहे हो जहां पे आप लिमिटेड हो। आप वो लिमिट क्या है, नुकसान क्या है, वो नुकसान के बारे में सुनने के बाद आप खुद जज कीजिए कि आपके प्लेटफॉर्म से क्या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आप फ्री के वेबसाइट आप लेते हो ना, तो सबसे पहला चैलेंज आप फेस करने को मिलेगा वो होगा आपके वेबसाइट काफी स्लो हो। फिर दूसरा आपके सामने चैलेंज फेस करने को मिलेगा अनप्रोफेशनल वेबसाइट एड्रेस, मतलब कि आपके वेबसाइट जैसे कि योर वेबसाइट डॉट फ्री वेब डोमिन डॉट कॉम रहेगा, फ्री डोमिन अपने आप ऐड किए हुए रहेंगे आपके डोमिन के बाद, कि वो अनप्रोफेशनल डोमिन रहेगा। अब जैसे ही आप कस्टम डोमिन करने के लिए ऊपर जाओगे तो आपसे $9, $5, $20 इस तरह से पैसे के लिए डिमांड किया जाएगा, यानी कि आप मजबूर और लिमिटेड रहोगे कि आपको उसी का डोमिन यूज करना है। तीसरा आपको मिलेगा ट्रायल वर्जन के लिए, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और प्लगइन्स या कुछ ऐसे सर्विसेज रहेंगे जो ट्रायल में रहेंगे, और आप ध्यान रखिए कि ट्रायल इज नॉट अ फ्री। चौथा आपके सामने चैलेंज फेस करने को मिलेगा वो रहेगा बहुत सारे हिडन चार्ज, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वो आपके ऊपर चार्ज भी लगा सकते हैं जिसके लिए आपको चार्ज करना पड़ सकता है। पांचवा, दे कैन बी लॉक्ड योर डेटा, डेफिनेटली वो कुछ ऐसे केस में हो सकता है कि ना उसे डिलीट ही नहीं कर पाओ, चाहे जो हो जाए, या आप रिमूव नहीं कर सकते हो तो ये आपके डेटा लॉक्ड कर देंगे। वो रिमूव करने के लिए, उसे अपलोड करने के लिए या फिर से उसे एडिट करने के लिए आपसे चार्जेस भी मांगा जा सकता है। छठा जो रहेगा वो रहेगा इरेवेलेंट ऐड आपके वेबसाइट पे चल सकता है, वो आपके जो जो प्रोवाइडर है जो फ्री में आपको डोमेन प्रोवाइड किया है वो अपना अपने तरीके से बिना रियल आपके वेबसाइट से मिलता जुलता ऐड नहीं चलाएगा, जिसके लिए आपको पे नहीं मिल रहा है उसे ही पे मिलेगा। तो इस तरह के भी एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। सातवां, दे कैन सेट डाउन योर वेबसाइट विदाउट नोटिस, डेफिनेटली अगर आपको आपसे कुछ पैसे लिया नहीं है वो आप उस पर क्लेम कर नहीं सकते हो, वो जब चाहे तब आपका वेबसाइट वो शट डाउन कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आठवां, कुछ ऐसे ऐसे ही कंपनियां होती हैं जो फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और वो कब गायब हो जाए आपको कोई नोटिस भी नहीं रहेगा। दे कैन सेल योर इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे डेटा रहेंगे, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि वो आपके डेटा को वो सेल करेंगे आपके कंप्यूटर्स लोगों को। अब 11th, नो साइट बिल्डिंग टूल, जो जैसा दे रहा है वैसे ही आप यूज कर पाओगे। 12th, कुछ ऐसे सिचुएशन में नो वर्डप्रेस, वो उसी का बनाया बनाया टूल्स रहेंगे, उसी का बनाया वेबसाइट का कस्टम डिजाइन रहेगा जहां आप वेबसाइट को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, यानी कि वेबसाइट पे काम नहीं कर सकते हो कुछ ऐसे सिनेरियो पे। अगर कुछ ऐसे डोमेन आपको दे भी रहा है वर्डप्रेस, लिमिटेड वर्डप्रेस रहेंगे, यानी कि इतने साइज के ही वर्डप्रेस थीम यूज कर सकते हो या इतने डेटा पे ही यूज कर सकते हो, दैट्स ऑल। 14th, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो लिख के रख लो कि आपको हर एक केस में आपको मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, स्पैम कमेंट कोड या ये कभी वेबसाइट का रीडिजाइन हो जाना, इस तरह के मालवेयर डिस्टर्बेंस आपको हर इस तरह के फ्री होस्टिंग वेबसाइट पे आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यू मे बिकम अ पार्ट ऑफ लिंक फॉर्म, आपके वेबसाइट जो आपने फ्री में वेबसाइट बनाया है वो उनके लिए एक तरह से लिंक फॉर्म के तरह रूप से काम करेगा, अनऑथराइज जिसे के लिए आपसे परमिशन नहीं लेगा, तो वो आपके वो अपने डोमेन के हिसाब से वो लिंक जनरेट करवाएंगे, यानी कि आपके कुछ एक्टिविटी पे वो अपना लिंक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, वो भी अनऑथराइज। लिमिटेड बैंड
यानी कि जो स्पीड रहेगा, जो आपका ब्राउजिंग स्पीड रहेगा वो लिमिटेड ही रहेगा उनके वेबसाइट के टर्म के अकॉर्डिंग। जब आप उनके लिमिट, जब उनके स्पेस लिमिट तक पहुंच जाओगे, जब फ्री लिमिट तक पहुंच जाओगे और उसके बाद जब आप यूज करना चाहोगे तो वो उसके बदले में फिर आपसे पेमेंट मांगेंगे, पे करने के लिए बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका काम रुक सकता है। 18th आप डेफिनेटली मान लो कि हैकिंग एक्टिविटी वो ऐसे ही फ्री होस्टिंग वेबसाइट पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ फ्री रहता है, वहीं पे लोग समझना सीखना भी चाहते हैं, तो स्टार्टिंग यहीं से होता है। अगर आप HTML पेज बना रहे हो तो ऐसी स्थिति में फ्री वाले में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब लिमिटेड पेज बनाने को परमिशन मिलता है कि उतने ही पेज आप काम कर सकते हो, उतने ही एक पेज के HTML वेबसाइट बना सकते हो, सो ऑन सो। कोई प्रैक्टिस जो जिस प्रैक्टिस के पर्पज़ से आप यहाँ फ्री में आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, जो कि आपके लिए यूजलेस हो सकता है, तो ओवर एंड ऑल यही मेरा सजेशन रहेगा कि जब आप फ्री के लिए सोच ही रहे हो तो गूगल का ब्लॉग स्पॉट है ना यार, वहाँ आप काम करो। इन फ्यूचर आप मूव करने करोगे तो आपको पूरा डेटा उठ करके बैकअप ले करके आप अपने वर्डप्रेस पे भी मूव कर सकते हो जब आप सीख लो। तो उम्मीद है कि आप सतर्क हो चुके होंगे। अगर ये आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लॉग स्पॉट से, फ्री में ही जाना है तो ब्लॉग स्पॉट से आप जाएं, और नहीं तो कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कि ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है तो आपको रिटर्निंग मिलेगा और आपका मेहनत बचा हुआ रहेगा, सबसे बड़ी चीज़। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।